अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। अभी बज रहा है शाम का 4 और मैं बना रही हूँ व्लॉग। मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है शाम के 4 बजे। एक्चुअली स्टार्ट तो सुबह में ही हो गया था। अरे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बोला था मैंने बंगड़ी पहनी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए है ना 3 साल पुरानी बंगड़ी है, मतलब मेरी 3 नहीं 4 साल, शादी के पहले साल में, पहली ईद में, रमजान में बाबू ने ये बंगड़ी दिलाए थे, जामनी कलर की बंगड़ी के साथ। इसका कॉम्बो बना के लिया था मैंने, क्योंकि मेरा सूट था ऐसा। तो बस 4 साल पुरानी, 4 साल ही पकड़ लो, क्योंकि 5 साल मेरी शादी को और शादी के पहले साल में बाबू ने ये बंगड़ी दिलाए थे और अभी तक है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 बंगड़ी। पता है ना, एक डजन के साथ एक बंगड़ी एक्स्ट्रा लेने की आदत थी मेरे को, तो मैं लेती थी, तो इसलिए ये 13 बंगड़ी है टोटल। और 13 बंगड़ी वैसी की वैसी कबर्ड में रखी थी मैंने। और मेरे पास बहुत सारी बंगड़ी है, बहुत सारी। बस मुझे पहनने कंटाल आता है, मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है बंगड़ी पहनने से। और उसमें यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही है ना पापा, क्या कर रही है, फोन देख रही। एक्चुअली मैं लेटी इसलिए हूँ यहाँ पे 4 बजे के टाइम पे, क्योंकि इसका सोने का टाइम है 3:30-4 बजे, ये सोती है और ये बिना मेरे लेटे हुए नहीं सोती। अगर मैं घर के अंदर घूम रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो ये नहीं सोएगी। इसको ऐसा है ना कि इसको फोन देके 10 मिनट इसको फोन देखने देने का, मैं बाजू में लेटे रहने का, जब उसका देख के हो जाएगा ना 5-10 मिनट के बाद, उसको फिर थपक थपक के सुलाने का, इसके लिए मुझे यहाँ पे लेटना पड़ता है। और पता है आप लोगों को, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था स्ट्रीट फूड जायका की शॉपिंग रियाज ने करके लेके आया था, मतलब कि मेरे मायके की शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके अंदर पता है एक फ्राई पैन का हैंडल टूटा हुआ था, तो रियाज नेक्स्ट डे पे जाने वाला था ना उसको चेंज कराने के लिए, तो बस वो गया था। तो आज उसने शॉप से डायरेक्ट मेरे घर पे आया था सामान लेके, क्योंकि उसने मेरे लिए भी कुछ चीज़ें बाय किया था, मुझे चाहिए था, जैसे कि मैंने बोला था मुझे छलनी चाहिए, और एक दो चीज़ उसने मेरे लिए लेके आया। और प्लस मेरे पास बहुत सारे कान के थे, और अम्मी के पास, जैसे वो टॉप्स टप्स बोलते हैं ना, स्टर्ड पहनते हैं ना अम्मी, तो अम्मी के पास नहीं थे, स्क्रू घूम गया किसी के, किसी का कुछ हो गया। तो कल अम्मी ने, ए बेटा आवाज़ सिलो कर बेटा, सुनो, तो वो मैंने रियाज को बोला था कि अगर मौका मिले तो आ जाना, या मैं आऊँगी तो मैं लेके आऊँगी अम्मी के लिए कान के, क्योंकि बाहर मार्केट में तो ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। तो बस वो आया था तो मैंने उसको भी दिया। तो आप लोगों को वीडियो एंजॉय कीजिए, वो आया था तो मैंने शूटिंग की थी। ओके चलिए, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और ये पगड़ी कैसी लगी जरूर बताना मेरे हाथों में। ओके, ये आहट देख रही है, डरावना सीरियल देख रही है, डरावना से मेरे को बहुत डर लगता है, इसको डर ही नहीं लगता। चलिए फिर आप लोगों को वीडियो एंजॉय कीजिए। हाँ ना मैं डाल दी, अभी जाके आया क्या वाला हाथ। क्या क्या लेके आया अभी, जो कल टूटा हुआ था ना, मास्क तो निकाल दे, चेंज करा के लेके आया। डिम्पो, अरे वाह, अभी लेके आया, ये वही है ना जो बड़ी वाली तुम लोग ने, हाँ उसकी वैसी है, हाँ से छोटी है। तूने पैन बदलाया ना, पैन, छोटा पैन, हाँ, लेकिन वो ढक्कन वाला था, हाँ, और ये कढ़ाई टाइप, हाँ, ये कढ़ाई है, देखना सेम वही प्राइस में दे दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो पहले तो साइज भी बड़ा है इसका, और हाँ, ये कांच वाले, हाँ, ज्यादा मेरे को ऐसी कढ़ाई अच्छी लगती है, 200 रुपए बढ़िया है, अच्छी पड़ी है। और वो जो कल थी वो 550 की थी, ये ब्रांड है रिकॉन, इसके साथ ये स्पैचुला और एक, हाँ मेरे पास तो था ना, मैंने मम्मी को बोली थी, अच्छा ये तो प्रॉपर सिलिकॉन है, ये प्रॉपर सिलिकॉन, हाँ ये वो मिक्सिंग वगैरह के लिए यूज होता है ज्यादा करके, कांच का बॉल था नहीं, जब मतलब उसके ना दूसरे दूसरे प्लास्टिक, नहीं ये सही है, ये मेरे लिए लेके आया अम्मी के लिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, छोटा भी नहीं चाहिए। अम्मी को दिखाया कि नहीं, डायरेक्ट यहीं लेके आए, अभी तो राउंड लेके जाना है अम्मी के लिए, फिर हम लोग का सिस्टम खराब हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी अम्मी को, बहुत अच्छे
बहुत अच्छे मेरे लिए लेके आए, बहुत अच्छी बात है। जब मैं पता है एक बॉल तो मेरे को उसके लिए लगेगा, हाँ छलनी एक बॉल तो उसके लिए लगेगा जो कांदा टमाटर मैं काटती नहीं क्या किचन पे कचरा फैलाती उसके अंदर, हाँ लेकिन मेरे को ये बॉल अच्छे लगे राउंड। हाँ कंपेयर करें ना दोनों के मुकाबले में तो इसकी प्लास्टिक ज्यादा अच्छी है, लेकिन कैसा हम लोग को अपना टेबल भी देखने का है कि ज्यादा कवर भी ना हो और सामान भी आ जाए, तो इसका शेप ऐसा ना हमारे टेबल पे अच्छा बैठेगा ये। अरे मेरे को है ना बस खाली किचन का काम एकदम, तुम लोग की शूटिंग का काम माशाल्लाह ना, वो 120 रुपए का एक था, ये मेरे को 120 में दो पड़े। अच्छा मिला रे 120 का ये दो, अरे 180 के तीन, और अच्छा बड़ा साइज भी है भाजी वगैरह काटने के लिए और इसमें भी होगा ना अच्छे से मिक्स वगैरह। अगर अम्मी को अगर ऐसा बोलेंगे मेरे को एक राउंड चाहिए था, अरे तो मैं घर के लाके दे दूंगा ना, उसमें कौन सा है, 150 रुपए का तो तीन पड़ जाएगा, तो वो भी लाके दे दूंगा। प्रिंस वेयर का है रे, अच्छा है। कितने का मिला ये तीनों? ये 150 रुपए। अच्छा मिला, 180 का ये तीनों, 180 वही, और ये 120 का दो जो ये दोनों में, ये तीनों मेरे को मिला के 250 रुपए। मतलब वो शॉप के अंदर जाने माने ही कंपनी है, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी। ये अच्छा, दो चम्मच, हाँ चम्मच भी अच्छा। मेरा टोटल सब मिला के एग्जैक्ट एकदम 5000 की शॉपिंग आज का मिला के, हाँ 4300 था, फिर आज वो दोनों सामान लेके बदली कराया और आज मैंने सब मिला मिला के 700 रुपए दिया उसको। अच्छा किया, 5000 में पड़ा। ये भी अच्छा है सिलिकॉन स्पैचुला, ये क्या नहीं क्या वो मिक्सिंग वगैरह करते हैं या कभी भी है ना इसको पलटाने वलटाने के भी काम आता। हाँ ये देख मैं क्या बोल रही थी पता है अम्मी को, तुम्हें ये देख ये पूरा सेट था मेरे पास, रखे रखे तो धूल भी लग गई उसको, थोड़ा साफ करके लेके आई मैं, लेकिन ये जब तूने सामान नहीं लाया था ना तभी मैंने अम्मी को दिखाई थी, मैं बोली थी अम्मी इसमें से कोई चम्मच चाहिए तो लेके जाओ, लेकिन अम्मी नहीं लेके गए थे, बोले तेरा सेट टूट जाएगा। देखना हर तरह के चम्मच है उसके अंदर, पास्ता का स्पून भी है, वो भी है, मतलब मैंने क्या वंडर शेप का पूरा कुकवेयर ली थी तो उसके साथ मैंने ली थी, आज से 3-4 साल पहले लिया है मैंने, आबिदा खाला के घर में थी देख उज़्मा पैदा होने से पहले तब ली थी मैं, लेकिन यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मेरे को नहीं आता ये चम्मच चलाने, हाथ में बैठे ही नहीं है वो लकड़ी के चम्मच, एक बार चल जाते मेरे हाथ में ये नहीं चल पाते मेरे को, ये बॉल काफ़ी बहुत अच्छा लगता। हाँ ये ले संभाल कर, बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया, और ऐसे टाइम पे तो मतलब एक शॉप से ये सारी चीज़ें मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने तो शॉप बंद होने का टाइमिंग क्या है? 4 बजे बंद हो जाती है। अच्छा अम्मी के लिए कान का लेके जा, हाँ देख ले तू खुद ही क्या चाहिए, इसके अंदर बड़े भी है छोटे भी है, और देख ले तेरे को कौन सा चाहिए, अम्मी को कैसे लगते वैसे मेरे को मालूम नहीं, देख अम्मी के लिए कान के, हाँ बड़े वाले तो साइज ये डिजाइन वाले, ये इतने भारी वाले नहीं पहनेंगे अपनी शादी वगैरह में नहीं जाते। ये अंगूठी इसके अंदर है दो पत्ते, हाँ ये देखिए ये ऐसे चीरे का, हाँ तो ले लीजिए उसमें से कौन सा चाहिए या पूरा पत्ता चाहिए तो पूरा पत्ता ले ले, मैं सेलेक्ट करके ले लेता हूं। और एक एक और एक एक पत्ता है जिसके अंदर है, देख खोल ये वाला, एक और एक पत्ता है जिसके अंदर है छोटे कांटे वाले, ये भी बड़ा है इसमें भी है ना, देख मस्टर्ड हाँ है ना उसके अंदर, स्टर्ड हाँ ले ले फिर सुन, मैं ये पत्ता ही पूरा बोली थी अम्मी को ले लो बोल के, लेकिन अम्मी बोले नहीं बोले रहने दे तेरे तीनों सेट, ये मैं ये उनको ध्यान में ये बैठे हुआ है ना मेरा ये जो ऊपर का डिस्को, बट इतने बड़े बड़े डिस्को में कौन पहनेगा रे, चार कान टोची हुई चारों में इतना बड़ा बड़ा पहनूंगी तो कैसे चलेगा। मैं बोली थी अम्मी को ले लो इसमें से, तो सुने ही नहीं देता, अभी पत्ता ही ले लो उसमें से, खाली जो नहीं लेने का है वो एक छोड़ दे कान का, क्यों ऐसा बड़ा लेना थोड़ा सा। डिम्पो हार्ट अम्मी के चेहरे पे दिखना भी तो चाहिए ना, अम्मी के चेहरे पे ये तो दिखेगा ही नहीं ना, बहुत छोटा है ना ये, दोनों सेम पड़ेगा ना इसके लिए क्या, कौन सा सेम पड़ेगा बोलता। अच्छा ये ले रहा था, ये और वो, ये नहीं ले रहा गोल्ड वाला, हाँ ले लेना, मैं बोल तो रही हूँ पूरा पत्ता लेके जा, अगर सिमिलर है उसके अंदर तो वो एक निकाल ले गया, तो जो अम्मी को ठीक लगा वो ले लूंगा। अच्छा ठीक है चलेगा, मेरे सब रखेंगे तो नहीं इतना तो बोल रहा हूं, जो फिर निकालेगा वही निकालेंगे, भाईजान के हाथ से भेज दूंगा उसमें से खाली कोई भी एक जोड़ी अम्मी को बोलना मेरे को देने, बाकी चार रख लो बोलना, ठीक है, क्योंकि स्टर्ड में इतना मतलब पहन के तो रखती नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा जींस टी शर्ट पे पहन लेती हूँ, ठीक है तो वैसा लिया। हाँ हाँ ठीक है,
ये नहीं कह रहे मेरे को आया था पीआर पैकेज, वही है ये। बहुत मस्ती करती है इसकी मम्मी ने बच्चे दे दी ना वापस से। हाँ 7 दिन हो गया वो उन्हीं के घर में दिए जिसके घर में पहले दी थी, बट इस बार उन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि बिल्ली के बच्चों को ऐसे घर से भगाना नहीं चाहिए तो लोग रख लिए। मैं बोली अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो बस आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्चुअली गर्मी तो रोज़ ही रहती है लेकिन मैं रोज़ कैसे ना कैसा करके कुछ ना कुछ करके व्लॉग बना ही लेती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आज बहुत हद से ज़्यादा गर्मी है और नहीं हो रहा था मुझसे, इसलिए मैंने इफ्तारी का भी शूटिंग वगैरह कुछ नहीं किया। इवन मैं डिनर की भी शूटिंग नहीं करने वाली थी लेकिन फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा शूट कर ही लेते। वैसे मैं डिनर में रोटी भाजी वगैरह नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, तो बस यही खा लेंगे। एक्चुअली मैं बनाने वाली थी दही बोलते ना कढ़ी खिचड़ी बनाने वाली थी, लेकिन फिर बाद में कढ़ी खिचड़ी खाने का बहुत मन था लेकिन दही नहीं मिली ना, इसके लिए कढ़ी खिचड़ी नहीं खा पाई, नहीं बना पाई, इसलिए मटर पुलाव बनाना पड़ रहा है। सिंपल एकदम, गरम मसाला डालने का गरम तेल में, फिर अनियन डालने का, अनियन लाल हो जाएगा, अदरक लहसुन डालने का, अदरक लहसुन भुन जाएगा तो हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, टमाटर और कोथमीर डाल देने का, उसके बाद टमाटर गले तक के इसको भूनने का, उसके बाद वटाना बटाटा सब डालने का, और उसके बाद पानी डालने का और चावल डालने का जैसे कि आप देख रहे हो। अभी आएगा वो कमेंट, जो महारथी जो मैडम है ना मेरे को हमेशा एक ही कमेंट करती है, पता नहीं वो खाने को अगर छी बोल सकती है वो लड़की तो फिर खाती क्या है। वो मुझे बोलती है छी कैसा खाना बनाती है तुम लोग, खाते कैसे हो ऐसा खाना, इतना जल्दी पक जाता तेरी रेसिपी में रहता क्या है, 10 मिनट में तो तैयार हो जाती तेरी रेसिपी। तो मैडम छी है तुम्हारे मुंह पे, खाने को छी बोलने वाले तुम पे लानत है, खाने पे छी, वापस कमेंट करना तुम अब छी करके दिखाओ कमेंट छी। हालत मेरे को समझ नहीं आता है, अरे थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो यार खाने की, खाने को छी। और जो 10 मिनट की रेसिपी आप लोग बोलते हो ना ये जो छी बोलने वाले लोग, उनको ये चीज़ बताऊंगी, ये 10 मिनट की रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट आती है मुझे आउट ऑफ इंडिया वाले जो वर्किंग वूमेंस हैं उनसे पूछो ये 10 मिनट की रेसिपी की कीमत, जो 10 मिनट में खाना टेस्टी बन जाए उनसे पूछो। आपके आप तो वर्किंग होंगे नहीं जो मुझे छी बोल रहे हो खाने को, जो मेरे खाने को छी बोल रहे हो, आपके पास तो दिन भर टाइम ही टाइम होगा खाना पकाने, 4 घंटे पाए बनाते ना तुम घर में बैठ के, मत बोलो खाने को छी। वही बनाता है इंसान जो वो खाता है, जो मेरी पसंद है मैं वही बनाऊंगी, वो नहीं बनाऊंगी जो मैं पका के फेंक दूँ, मैं अपनी पसंद का खाना बना के खाऊंगी। डियर ज़रा समझ के बात करो।